गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं कैरियर ग्लूज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस अपडेट में हम बात करेंगे एनआईटी राउरकेला की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। एनआईटी राउरकेला की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें की वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला की तरफ से काफी अच्छी अपडेट आपके लिए रहने वाली है। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो इसी के साथ में आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। ऑफिशियल नोटिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला की तरफ से निकाली गई ऑफिशियल नोटिस है ये। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर आप इसका देख पाएंगे, वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है 13 दिसंबर 2022 के दिन ये निकाला गया है। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पे जो वो पोस्ट निकाली गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू वैकेंसी रहेंगी। सीरियल नंबर 1 में लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे स्केल आपका जो रहेगा 14 रहेगा, एक पोस्ट दी गई है। प्रिंसिपल आपके साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एक पोस्ट दी गई है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए एक पोस्ट, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एक पोस्ट आपकी यहाँ पे रहेगी। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एक पोस्ट रहेगी, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए। इसके अलावा एक पोस्ट रहेगी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, एक पोस्ट स्टूडेंट एक्टिविटी के लिए, 4 पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, 3 पोस्ट मेडिकल ऑफिसर के लिए। सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट रहेंगी। 36 पोजिशन यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए दी गई है। जूनियर इंजीनियर के लिए 3 पोस्ट रहेंगी, एक पोस्ट यहाँ पे एसएएस असिस्टेंट के लिए रहेंगी, 3 पोस्ट यहाँ पे लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की रहेगी, 13 पोजीशंस यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट के लिए रहेंगी, 25 पोजीशंस जूनियर असिस्टेंट के लिए एंड 12 पोजीशंस सीनियर टेक्नीशियन के लिए, 29 आपकी टेक्नीशियन के लिए रहने वाली है। वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। बाकी लाइब्रेरियन के लिए बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, उसके अलावा आपका यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन के साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। बहुत सी ऐसी यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं इसमें आपका फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो जहाँ पे आपकी ज्यादा एज यहाँ पे मांगी गई है उसमें मैक्सिमम जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी मैं आपको यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट्स वाली यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है। जैसे कि मेडिकल ऑफिसर के लिए तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमबीबीएस डिग्री आपकी होनी चाहिए। इसमें एमबीबीएस डिग्री के साथ में जो आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर कैंडिडेट भी। बात करें सुपरिटेंडेंट के लिए, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपने कर रखी है, कंप्यूटर नॉलेज है, अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 30 मैक्सिमम एज रहेगी, इसमें पे स्केल आपका 6 का रहेगा। फर्स्ट क्लास आपका ग्रेड बैचलर इंजीनियरिंग बीए एमसीए आपने कर रखी है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कर रखा है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री कर रखी है, मास्टर डिग्री कर रखी है, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए फर्स्ट क्लास बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या सिविल इंजीनियर का डिप्लोमा आपने कर रखा है विद एक्सीलेंट आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए डिप्लोमा के साथ में। एसीएस असिस्टेंट के लिए लेवल 6 का पे स्केल रहेगा, इसमें भी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपकी मांगी गई है। लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज 30 रहेगी, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आर्ट्स या कॉमर्स में आपने कर रखी है। उसके साथ में सीनियर असिस्टेंट के लिए भी आपका सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे पास होना चाहिए, मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी यहाँ पे मांगी गई है कंप्यूटर में। जूनियर असिस्टेंट के लिए 12 पास आप जो अप्लाई कर पाएंगे, इसमें भी आपकी टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी आपका यहाँ पे 12 पास अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बात करें टेक्नीशियन के लिए तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी पास होने चाहिए, उसके अलावा सीनियर सेकेंडरी के साथ में अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसमें मैक्सिमम एज आपकी 27 रखी गई है। जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हैं आपकी जो रहेंगी इसकी क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे आपको बता दी जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो अदर आपका यहाँ पे क्राइटेरिया रहने वाला है, जैसे कि फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं आपको यहाँ पे इसका बता दूँ जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, रिटन टेस्ट आपका स्किल टेस्ट रहेगा, इसमें इंटरव्यू भी आपका रहने वाला है। सीरियल नंबर आपका यहाँ पे जो 11 से लेके 19 आपकी रहेंगी एंड 1 से 9 जो आपकी रहेंगी, इसका जो आपका टेस्ट रहेगा वो आपका राउरकेला में ही रहेगा। एंड अदर पोस्ट का जो रहेगा लार्ज नंबर वाली पोस्ट रहेंगी, इसका पर्टिकुलर पोस्ट का रिटन टेस्ट जो रहेगा वो मोर देन आपके सिटीज में यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। जो स्किल टेस्ट आपका रहेगा, ट्रेड टेस्ट रहेगा, राउरकेला भुवनेश्वर दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता में रहने वाला है। रिटन टेस्ट इसका कोई भी टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे।
बाकी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूंगा, डायरेक्टली फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 14 दिसंबर से आप जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, 16 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहेगी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की, वो भी आपकी 19 जनवरी 2023 रहेगी। इसमें एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो यहाँ पे रहने वाली है वो मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस आपकी रहेगी वो आपकी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपकी दी गई है वो 1000 रुपीज़ आपकी रहेगी अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ रखी गई है। इसको जो आप SBI कलेक्ट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी इसका बता दिया है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर दी है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है वो भी आपके साथ मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी आपकी बची हो तो आप जो वो यहाँ पे इस मेल के ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या आपको कोई भी क्वेरी चाहिए वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी यहाँ पे क्वेरी जो वो रिजॉल्व कर दूंगा जो भी आपको रिक्वायर होंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।